नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, 3 जुलाई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा तुलसी में बांध देना, यह एक चीज गरीबी होगी, दूर पुराने से पुरानी बीमारी और कष्ट होंगे, दूर रातों रात पलट जाएगी, किस्मत हो जाएंगे। माला माल दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 3 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरुजी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होता है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान लिखना न भूले। दोस्तों, मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति को वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास को श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता माना जाता है। यही वजह है कि महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन कई अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बनेंगे। आज के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद फिर अपने गुरु की पूजा करें और गुरु से आशीर्वाद लें। वेद व्यास जी का चित्र अगर है तो उनके चित्र के ऊपर सुगंधित फूल पुष्प चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो हर माह की पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन जो आषाढ़ मास की जो गुरु पूर्णिमा होती है, इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी राशि ऋषि पराशर के पुत्र थे। गुरु पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित होती है। आज के दिन गुरु का पूजन किया जाता है। जिन लोगों के आध्यात्मिक गुरु नहीं होते, उन्हें अपने इष्ट देव को गुरु ही मानकर उनका पूजन करना चाहिए। आज के दिन अपने माता पिता का पूजन भी अवश्य करें। इस बार गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है। इस बार आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां।
लक्ष्मी माँ, तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मणी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए, और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आम तौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए, और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। वो तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे, अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दे। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों इसे आप लाइक करिएगा।
शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।